शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या पॉलिटिकल वेट भी कम हुआ है इस वजन के साथ में? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए, क्योंकि सब लोग तारीफ कर रहे थे, इसके लिए मैंने सोचा इसके लिए आपको पूछ लें। वजन कितना कम हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरे टेलर को टाइट किया है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े सिलाना शुरू किया कि जिससे वजन कम दिखता है। और पॉलिटिक्स में वजन आप कौन से पोस्ट पे है इससे डिसाइड नहीं होता, आपका जो वजन होता है पॉलिटिक्स में वो आप क्या हो उसके आधार पर डिसाइड होता है। इसलिए महाराष्ट्र में किसी को भी पूछ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वजन कम हुआ या ज्यादा हुआ। नहीं, क्योंकि आपका क्या है ना सर, कि ये तो हम देख रहे हैं कि आप पर काम का बहुत बोझ डाला हुआ है। आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी आपके पास जितने पोर्टफोलियोज नहीं थे उससे ज्यादा पोर्टफोलियोज आपके पास है, और किसी भी स्टेट में दो सबसे बड़े पोर्टफोलियो होते हैं फाइनेंस और होम, ये तो आपके पास है ही, इसके अलावा पावर, उसके साथ में हाउसिंग प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब तो बात की बात है, लॉ एंड जुडिशरी, यू नेम अ डिपार्टमेंट जो आपके साथ में, इरिगेशन भूल गया, इरिगेशन सात, छह से सात डिपार्टमेंट्स आपके पास में। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि सारा काम आपसे कराया जा रहा है लेकिन आपको पद नहीं दिया गया, आप मतलब ये सारा काम आपसे कराएंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और रहेगा, क्या ये हम मान के चले? क्योंकि आप पर काम का सचमुच में बोझ है, उसके साथ में आप छह डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर भी हैं, सो ऑलमोस्ट पूरी सरकार आप चला रहे हैं, इस तरीके से मैसेज जा रहा है। ऐसा है कि जो लोग गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को बाहर से देखते हैं उनको ऐसा लगता है, चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं इसलिए मैं ये जानता हूं कि अभी छह ही डिपार्टमेंट मुझे देखने पड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर को सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से करीब करीब सारे डिपार्टमेंट्स की फाइल्स ये चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। दूसरा, एज ए गार्डियन मिनिस्टर मुझे छह ही डिस्ट्रिक्ट देखने पड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर को सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चूंकि अभी हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, तो मैं ये जो छह पोर्टफोलियोज मेरे पास है ये अभी एक प्रकार से जब तक विस्तार नहीं होता तब तक के लिए है, विस्तार के बाद ये पोर्टफोलियो किसी और के पास जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार एक सामूहिक प्रयत्न होती है, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने सरकार चलाई है मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार में पोर्टफोलियो किसी के भी पास हो, किसी के भी पास हो, उसको यशस्वी करना, टू मेक हिम सक्सीड, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए छह पोर्टफोलियो हो, दस हो, दो हो या एक हो, मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र में लोगों के हितों के जो विषय है वो हमारी सरकार बड़ी तेजी के साथ उसके निर्णय करे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बोझ मेरे ऊपर है, मैं तो ऐसा कहूंगा कि आई एम एंजॉयिंग। लेकिन सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, मैं आपको बताता हूं, और काफी सीरियसली, दरअसल ये गंभीरता से हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपका मैंडेट क्या है, आपको एज अ चीफ मिनिस्टर क्या करना है, किस तरीके से सरकार चलानी है, आपका एक अपना विजन होता है और उसके आधार पर आप अपनी टीम को आगे लेकर जाते हो। जब आप डेप्यूटी के रोल में होते हो तब आपका मैंडेट क्या है वो आपको चीफ मिनिस्टर की तरफ देखना पड़ता है। एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी ने आपको क्या मैंडेट दिया? जब आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था तो पार्टी ने क्लियरली आपको कहा था कि आपको पार्टी लीड करनी है, सरकार लीड करना है और आपको आगे बढ़ना है। अब एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो पूरा एपिसोड मुझे याद है कि जिसमें आपकी तो इच्छा थी कि आपको सरकार में नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको सरकार में जाना क्यों नहीं था? इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आप सरकार में जाना नहीं चाह रहे थे, क्या आपको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही थी इसके लिए आप सरकार में नहीं जाना चाह रहे थे, ये कारण मान सकते हैं? देखिए, ऐसा था कि नॉर्मली चीफ मिनिस्टर रहने के बाद आप किसी दूसरे पद पर सरकार में जाए तो एक प्रकार से आपकी इमेज ये होती है कि आप पावर ग्रीडी हो, आप पावर हंग्री हो। तो मेरा मूल विषय इतना ही था कि
हमने सत्ता का परिवर्तन किया है तो कोई कुर्सी चाहिए इसलिए नहीं किया। महाराष्ट्र के जो हालात थे, जो दो ढाई साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं के मद्देनजर हम लोगों ने यह परिवर्तन किया था। और इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि केवल सत्ता के लिए परिवर्तन हुआ है, ग्रिड के लिए हुआ है। और इसलिए मैंने एक बड़ा कॉन्शियस निर्णय उस समय लिया था कि मैं सत्ता के बाहर रहूंगा। लेकिन जब मेरे नेताओं ने मुझसे बात करके मुझे कहा कि पार्टी के महाराष्ट्र के आप नेता हो, ये सरकार हमको चलानी है और इस सरकार को चलाने में आपके अनुभव की आवश्यकता है, इसलिए हमको ये लगता है कि आपने जाना चाहिए। और एक बात हमारे नेताओं ने जो कही, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बात मुझे सही भी लगती है। उन्होंने ये कहा कि सरकार बाहर रहकर चलाई नहीं जा सकती और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये सरकार चलाए तो सरकार ठीक चलती भी नहीं है। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंदर रहना चाहिए। और मेरा मैंडेट आपने जो पूछा, मेरा एक ही मैंडेट है। देखिए, हम सब लोग, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो या हम लोग हो, हम सब लोग मिलकर एक विकसित भारत का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो विजन महाराष्ट्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो जब महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन बनेगा तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। तो ये जो विजन है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, यही हमारा मैंडेट है। और मेरा एक्स्ट्रा मैंडेट ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो यशस्वी हो, इसलिए उनको पूरे तरीके से मदद करना, उनके पीछे खड़ा रहना। मैं पूरी ताकत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़ा हूँ। उनकी लीडरशिप में हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को फिर एक बार देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रहेंगे। सर, ये तो ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र की एक एडमिनिस्ट्रेशन की परंपरा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र में काम होता है। और आज की स्थिति में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लो देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 में है। फिर सरकार यहां से वहां हुए, लेकिन फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एक काम चलता है। लेकिन मैं उस चीज पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से बातें हुई, क्योंकि ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाती है और पहले उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। आपने ये फैसला लिया था कि आप सरकार के बाहर रहेंगे, क्या आपकी बात हुई थी आपके लीडरशिप से या यह आपका खुद का फैसला था? क्या जिस तरीके से वो चीजें हुई, आपको खुद को कब पता चला कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? आपको कब पता चला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं? या उनको पहले से यह वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसीलिए आपने फैसला कर रखे थे आपने कि मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा, मैं बाहर से इसको मदद करूंगा, क्योंकि बीजेपी तो सरकार में शामिल होने वाली थी, उसमें ऐसा नहीं कि आपके मंत्री होने वाले नहीं थे। तो ये वाकया हमको समझना है कि ये आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, उसके बाद जेपी नड्डा वो ट्वीट करते हैं, अमित शाह ट्वीट करते हैं, और उसके बाद फिर आप राजभवन में हमने देखा कि 2 कुर्सियां रखी हुई थी, तीसरी कुर्सी ऐड की जाती है और फिर हम खबर चलाते हैं कि नहीं, शायद देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये आपने कैसे, ये कैसे हुआ? ये 2020 मैच की तरह हुआ। उसमें कब क्या रिजल्ट कैसे बदलता है, ऐसा वो बदलते गया। लेकिन एक बात मैं पक्की बोलता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला हुआ वो मेरे कंसल्टेशन से हुआ, और उससे आगे जाकर मैं कहूँगा कि इट वाज माय प्रपोजल। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहा हूँ कि इट वाज माय प्रपोजल कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और हमारे नेताओं ने उसको मान्यता दी। तो इसलिए दैट वॉज नॉट अ शॉकर फॉर मी, वो मेरे लिए शॉक नहीं था। मेरे लिए, अब उसको सुखद कहिए या किसी भी प्रकार का शॉक कहिए, मेरे लिए शॉक ये था कि जब मुझसे ये कहा गया कि आपने डिप्यूटी सीएम बनना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेताओं ने जब मुझसे बात की, दे वर एब्सोल्युटली कन्विंसिंग, और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे कन्विंस किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पार्टी का हित भी उसमें था। और जब मैंने शपथ ली उस समय, निश्चित रूप से मैं बहुत तरह के विचार मेरे मन में थे, चेहरे पर दिख रहा था, थे, बिल्कुल थे, इसमें छुपाने की बात नहीं है, बहुत तरह के विचार थे। किंतु उसके बाद महाराष्ट्र से और पूरे देश से जो समर्थन मिला,
मैं ऐसा मानता हूं, आपने पहले बात की इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरा कद शायद चीफ मिनिस्टर बनकर नहीं बढ़ा था वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बढ़ा, इतना समर्थन लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि लोग ये जानते थे कि ये जो परिवर्तन हमने किया है ये महाराष्ट्र के और देश के हित में किया है। और ऐसा परिवर्तन जब आप लोग करते हैं तो उस समय कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और वो निर्णय हमने लिए। और आज अगर आप मुझे पूछेंगे आई एम टोटली सेटिस्फाइड, सरकार हम जिस प्रकार से चला रहे हैं और विशेष रूप से मेरा और शिंदे जी का समन्वय, ये कोई आज का तो है नहीं, वो तो हमें समन्वय दिखाई तो बहुत पुराना है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये सारा इतनी सारी चीजें हुई तो ये कुछ तो समन्वय लगता ही है ना आपस में, तो हमारा समन्वय तो बहुत पुराना है, हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत काम किया है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और मैं इतना जरूर यहाँ पर कहूँगा कि मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ, विश्वास में लेकर वो काम करते, सारे निर्णय हम लोग बैठकर करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। नहीं लेकिन सर हमारी एक शिकायत है आपसे, हमने आपको 4-5 महीने पहले पूछा था कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले वैसे कोई शिंदे आप महाराष्ट्र में तलाश रहे हैं क्या? आपने कहा था कि कोई शिंदे नहीं है, तो अचानक ये शिंदे कहां से आ गए? ये आपका उनका संपर्क कब हुआ या वो आपके पास अप्रोच किए? या क्योंकि आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया इसके लिए, हम कहते हैं कि जैसे मुथैया मुरलीधरन है वो हमेशा दूसरा एक बॉल दूसरा डालता है, वो आप भी एक दूसरा डालते हैं, तो क्या ये उस तरीके से था? आपने उनको कांटेक्ट किया या वो आपके पास आए कि हमको सरकार से बाहर निकलना है आप हमको साथ मिलेंगे क्या? साहिल आपने जब मुझे पूछा तो आप तो जानते हैं कि राजनीति में अपनी स्ट्रेटेजी ये नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बताई जाती, नहीं तो तब से चल रहा था, नहीं तो वो स्ट्रेटेजी तो फेल ही होती है। मैं आज इतना ही कहूँगा कि देखिए हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंपा था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहाँ पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है, हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है, तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहाँ पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए, हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया। और मुझे इस बात की खुशी है जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया। तो आपने ये बदले के लिए किया लेकिन आपकी पार्टी में कई लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला लिया है कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया एकनाथ शिंदे को, क्योंकि हमने चेहरे देखे वहां पर बीजेपी के नेताओं के, जैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने डिक्लेयर किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पार्टी के नेता कहीं ना कहीं सदमे में चले गए कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो सपना देख रहे थे कि अपनी सरकार बनने जा रही है। आज की स्थिति में भी क्या आपकी पार्टी में ये भावना है कि ये सरकार तो एकनाथ शिंदे की है या उनको आगे करके सरकार बनाई है और हमको डिप्यूटी का रोल निभाना पड़ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दिल पे पत्थर रख के हमको ये फैसला लेना पड़ा। ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये बहुत कम लोगों को पता होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उसमें से भी 3 या 4 लोगों को ये पता था कि जो लेटर माननीय राज्यपाल जी को दिया गया है वो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का दिया गया है, बाकी जो साथ में आए हुए थे सब लोगों को ये पता नहीं था। मैंने दोपहर में केवल हमारे जो प्रमुख 4-5 लोग हैं उनको विश्वास में लेकर ये कहा कि देखिए हम लोग सरकार तो बना रहे हैं पर मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे जी बनेंगे, तो इसलिए एक सहजता के साथ जो लोग, चूंकि कई दिनों तक टीवी पर चल रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि अपनी सरकार बन रही है, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन रहा है,
तो उनके लिए एक प्रकार से वो शॉक था, क्योंकि जब मैंने इस प्रकार की अनाउंसमेंट की तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को भी 3-4-5 लोगों से ज़्यादा पता नहीं था ये होने वाला है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनके लिए शॉक था। लेकिन आज सब लोग ये मानते कि ये सरकार हमारी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि यही चीज आपने अगर 2019 में की होती तो आज 2.5 साल तो मुख्यमंत्री पद मिलता बीजेपी के पास। आज की स्थिति में अगर ये सरकार, और आपको 2004 का पूरा टर्म, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, कहां से कहां चेंज होगा ये 2020 का मैच, तो आपको तो अभी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद मिलेगा ही नहीं। अगर वही 2019 में अगर समझौता कर लेते तो 2.5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाता। देखिए, सवाल ये था कि हमारे नेताओं ने उद्धव जी के सामने 10 बार ये घोषणा की कि ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अमित शाह साहब ने की, हमारे सारे बड़े नेताओं ने की। उस समय तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे थे, और इतना ही नहीं, उद्धव जी ने स्वयं ये घोषणा की। तो जब ये तय था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मुझे जब सबने मिलकर, अकेले मोदी जी ने नहीं, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर घोषित किया, उसके बाद अचानक जब आपके ध्यान में आता है कि नंबर ऐसा फंसा है कि 3 पार्टियां एक साथ आ जाए तो हम लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अचानक आप उसको बदल देते। आपने इस पूरे दरमियान कभी नहीं कहा, नेवर। और मैं वापिस बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, शिवसेना को 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने का कभी फैसला नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और मैं उसके आगे जाकर आपके सामने तथ्य भी रख देता हूं कि इनफैक्ट जिस समय उन्होंने ये शर्त रखी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए, उस समय हमने कहा ये अलायंस नहीं होगा और हम लोग निकल गए। उसके बाद 3 दिन बाद वापिस हम बैठे, हम लोगों ने हमारी पालघर की सीट कैंडिडेट सहित शिवसेना को दी और हमारा अलायंस हुआ। तो ये बिल्कुल 100% स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री का कोई, हाँ उनको ये हमने जरूर कहा था कि पिछले बार उनको हमने कम मिनिस्ट्री दी थी, हम इस बार ज्यादा मिनिस्ट्री देंगे, ये बिल्कुल कहा था उनको। और उन्होंने कहा था 1-2-3 मिनिस्ट्री हमको चाहिए, हमने कहा था वो भी देंगे, बट चीफ मिनिस्टर के बारे में कभी नहीं कहा था। अगर कहते तो देखिए, बिहार में हमने दिया, उस समय हमारे से तो बहुत कम सीटें आई उनकी, लेकिन जब हमने उनको अनाउंस किया था नीतीश जी को, तो हमने उनको बनाया। तो अगर हम ऐसा अनाउंस करते तो बिल्कुल बनाते। तो इसलिए ये जो बात है ना, ये एक प्रकार से एक पॉलिटिकल, मतलब एक प्रकार से ये एक तत्व की बात है। और इसलिए ये जो अब वो कह रहे हैं, अब ये जो कह रहे हैं कि उस समय हमारे साथ आते तो इनको नहीं चाहिए, भाई 2.5 साल हम लोग, देखिए बेईमानी से 2.5 साल नहीं लेंगे, जो लेंगे अपनी ताकत पर। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी वजह से अब नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया है। देखिए, ये पूरा जो मामला हुआ है उससे आपने, यानी बीजेपी ने क्या सीख लिया है? सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यह लगता है कि जब बीजेपी एक बड़ा पार्टनर बन जाती है किसी भी अलायंस में, बड़े भाई के रूप में चली जाती है, तब छोटे भाई को दबाने की कोशिश करती है, छोटे भाई की ग्रोथ कैसे ना हो उसकी कोशिश करती है, आरोप आप पर लगता है। अब भी आपके सामने एकनाथ शिंदे, उस दिन एकनाथ शिंदे यहां पर आए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी हमसे संख्या में डबल है, यानी वो 50 है तो आप 110 है। अब ऐसी स्थिति में इसके आगे जो आपके साथ में शिवसेना और बीजेपी के साथ में हुआ, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी और आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या, किस तरीके से कोशिश करेंगे? क्या इसके आगे भी आपकी भूमिका इस तरीके से रहेगी कि उनको संभाल के काम करें, जो नीतीश कुमार वो एक तरीके से डर गए कि उनके साथ भी ये हो सकता है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ जैसे हुआ उनके साथ हो सकता है, वो चले गए आरजेडी के साथ में तुरंत? पहली बात तो यह है कि आपका स्टेटमेंट ही गलत है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके कारण बिहार में हुआ। बिहार बिहार है भैया, वहाँ की राजनीति अलग है, उसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और बिहार में देखिए, आप ये ध्यान में लीजिए कि हम दोनों ने सरी की सीटें लड़ाई, उन्होंने 123 लड़ाई, हमने 122 लड़ाई और बाकी छोटे मित्रों को दी। हम लोग 85 सीटों पर आए, वो 42 सीटों पर आए, वो बड़े भाई थे, हाँ जो 40 42 45 जो भी होगा,
उतनी सीटों पर आया, वो बड़े भाई थे, लोगों ने उनको छोटा भाई बनाया, हमने नहीं बनाया, वो तो हमसे एक सीट ज्यादा लड़े थे। बावजूद उसके, क्योंकि वहां सारे निगोशिएशन में मैं था, आप इंचार्ज थे, हाँ मैं था। और उसके बाद मुझे आज भी वो पल याद है, नीतीश जी ने ये हमको कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नीतीश जी ने कहा कि देखिए हमारे तो कम आए हैं, तो आप लोग फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा नीतीश जी को कि देखिए नीतीश जी, हमने मिलकर ये घोषणा की है कि आप हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हमने ये नहीं कहा कि जिसके ज्यादा आएंगे उसकी होगी, या आपके कम आएंगे तो हमारा होगा। हमने जब यह घोषणा की कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो, तब आपके कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, और नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए बिहार की राजनीति में एक अपना रंग होता है, बिहार बिहार है। तब नीतीश जी के ध्यान में आया कि, और ये विधानसभा के चुनाव के समय उनके ध्यान में आया, क्योंकि इस बार उनको जो सीटें मिली वो सीटें मोदी जी के कारण मिली। मोदी जी का जो एक वहां पर उनके प्रति एक सकारात्मकता जो बिहार में थी, मैं खुद देखता था कि गांव-गांव में जाने के बाद लोग मोदी जी का नाम लेते थे। और एक मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी की पार्टी फेस कर रही थी, लेकिन चूंकि मोदी जी के साथ वो थे इसलिए वो इतनी सीटें उनको मिली। तो उनके ध्यान में आया कि अब लोग धीरे धीरे बिहार के बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी रुकेगी नहीं, मैं आज आपको बता देता हूं, बिहार में मैं रहकर आया हूं, आप देख लेना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चमत्कार करेगी, चमत्कार। लेकिन आपने यहां पर जब विपक्ष में आप थे, विपक्ष नेता विपक्ष के तौर पर थे, तब आप ये बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट है, हमको ये करना है कि अपने बलबूते पर हम महाराष्ट्र में सरकार है, आपका ये सपना रहा है हमेशा से। लेकिन उसके बावजूद आपने अभी पार्टनर आपके साथ में रखा हुआ है, अब उसके वजह से होगा ये कि शिंदे जी तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद में सारे जो चुनाव होंगे वो आप एक साथ गठबंधन में फाइट करेंगे, तो अब आपके अपने बलबूते पर सरकार आने का तो सपना नहीं पूरा हो पाएगा। ऐसा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये नहीं चाहती कि अपने बलबूते पर चुन कर आए, सारी पार्टियां ये चाहती है। लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है, अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना ये हर पार्टी का उद्देश्य होता है। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को साथ में लेकर जिंदगी भर नहीं चलना चाहती। लेकिन आज की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि शिंदे जी की जो बाला साहबांची शिवसेना है उसको साथ में लेकर ही हमको आगे बढ़ना है, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे अकला विधानसभा का चुनाव हो, या उससे पहले आने वाला लोकसभा का चुनाव हो। ये सारे चुनाव हम बाला साहबांची शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, ये हमने तय किया है। अभी क्या है कि आपके पास में होम डिपार्टमेंट है, और पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा कांड हुआ था एंटीलिया कांड, जिसके बाद में सचिन वजे मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको उसके बाद हटाया गया, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके आधार पे होम मिनिस्टर जो है आज की तारीख में जेल में, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है वो अभी भी जेल में है, अनिल देशमुख। पुलिस डिपार्टमेंट की छवि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, और अब आपके पास में होम डिपार्टमेंट है, क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी हमेशा कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार देते हैं, हम किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि शिंदे गुट के साथ में जो लोग आए हुए हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस चल रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें से तो एक ने चिट्ठी लिखी थी कि बीजेपी को साथ में लो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और वो अब आपके साथ में आ गए हैं। जिस बीएमसी के करप्शन पर आप सवाल उठा रहे हैं उसके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो भी अब शिंदे गुट के साथ में आ गए, तो इनको साथ में लेकर आप किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में एजेंसीज को न कोई कुछ करो बोल सकता है, न कोई रोक सकता है, तो जिसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी, कोई कार्रवाई रुकेगी नहीं, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, कोई नहीं किसी को स्पेयर करने का कारण ही नहीं है। बीएमसी का कैग ऑडिट होगा, उसमें जो बिल्कुल जो आएगा वो भले शिंदे गुट का हो या किसी का भी हो, कोई भी हो। और बीएमसी कौन चलाता था
ये तो हमने अच्छे से देखा हुआ है, तो अब मैं इससे ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं किसके इशारे पर बीएमसी चलती थी। और जहाँ तक होम डिपार्टमेंट का सवाल है, 5 साल मैंने होम डिपार्टमेंट चलाया, एक भी करप्शन की कंप्लेंट नहीं थी। देखिए, अगर आप अधिकारियों के पोस्टिंग में पैसा लेना चालू करोगे और कम मेरिट के लोगों को पैसे के आधार पर प्राइम पोस्टिंग दोगे, तो ऐसी ही परिस्थिति ये हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जो हमारे पुलिस की छवि पिछले 2.5 साल में बिगड़ी है, महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे अच्छी, मोस्ट इफेक्टिव पुलिस फोर्स। अभी इसकी जो साख है, उस साख को हम लोग फिर वापस लाएंगे। और बिना किसी करप्शन के पोस्टिंग शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारी जो पुलिस है वो अच्छा ही काम करती है, वो साख उनकी वापस आएगी। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यही होगा, क्योंकि बार बार ये शिकायत रही एमबीए सरकार की कि हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, हम विपक्ष की सरकार है, इसके लिए हमको परेशान कर रही है। और यही चीज वो अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से चले जाते हैं, भले वो किसी की गलती से चले गए हो, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र इज एट द लॉस। आपको उसको, क्योंकि आपके पास समय कम है, अभी आपके पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप सीधे चुनाव का सामना करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं और सारी चीजें जो नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, कैन यू इमेजिन। देखिए, सरकार में एक कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट आपके आती है तो सारी इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई सहूलियत आपको देनी पड़ती है, कंसेशन देना पड़ता है। इसलिए सारा का सारा ये जो कंसेशन का अप्रूवल होता है, ये इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल होता है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। आप विचार कीजिए, 18 महीने तक उद्धव जी की सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, नॉट अ सिंगल मीटिंग। अब मुझे बताइए कि अगर उद्योगों के लिए 18 महीने मीटिंग ही नहीं होगी तो उद्योग रहेंगे कि जाएंगे? तो इसलिए किसके कारण गए, इसकी चर्चा करते समय अगर 18 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो किसके कारण गए, ये इसका सीधा जवाब है। और आपने पहले क्या कहा था, मैं भूल गया, कुछ पूछा था आपने। और मैंने ये पूछा था कि आप, अब जो आपके पास समय की कमी है, अभी 2 साल है आपके पास, आपको अभी, और जीएसटी के बारे में भी वो शिकायत बात करता है। आपने मेरे ध्यान में आया, देखिए पुरानी सरकार में क्या था, वो सुबह नाश्ता करने से पहले एक झूठ बोलते थे, लंच के पहले एक झूठ बोलते थे, खाना रात का डिनर से पहले एक झूठ बोलते थे, और सोते सोते एक झूठ बोलते थे। और 3 पार्टियां और उसके 4 लोग झूठ बोलने के लिए उन्होंने नॉमिनेट किए थे। इसलिए रोज केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना, सारी मदद केंद्र सरकार से लेना, मैंने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे महाराष्ट्र को कैसे दिए ये बार बार रखा, रोज मैं रखता था, लेकिन मैं अकेला बोलता था, वो 4 झूठ बोलते थे, तो 4 झूठ के सामने एक सच थोड़ा थोड़ा रुक जाता था। मैं आज भी ये कहता हूं कि केंद्र सरकार की जितनी मदद महाराष्ट्र को मिलती है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, आप देखिए, अगर हम मुंबई का विचार करें, मुंबई का, तो अकेली मुंबई में हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ये पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, ये हमने शुरू किए। तो क्यों शुरू कर पाए, केंद्र सरकार साथ में थी इसलिए हम लोग कर पाए। तो मुझे लगता है कि, और मोदी जी ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र ये ग्रोथ इंजन है, तो महाराष्ट्र भागेगा तो देश भागेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी देश को स्पीड से भगा रहे हैं, वो अपने इंजन को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो इंजन को और फ्यूल देते हैं, वो तो इस इंजन को और जोरों से वो चले, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है नरेटिव तैयार करने का जो प्रयास हुआ, इससे ज्यादा थोड़ा समन्वय अगर रखते तो शायद महाराष्ट्र का ज्यादा फायदा होता। ठीक है, हमारे साथ पीयूष गोयल भी यहां पर जुड़े हुए हैं, राहुल कंवल भी ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे पूछना है, क्योंकि आपका 2019 की जो कैंपेन की लाइन थी वो ये थी कि मी पुनः यही, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। इस बार आप बैक विथ वेंजेंस तो हुए हैं, लेकिन साथ में एकनाथ शिंदे को भी आप साथ में लेकर आए। अब सवाल ये है कि 2024 में जब दोबारा आप चुनाव का सामना करेंगे, तब उसका फेस कौन होगा,
चुनाव में महाराष्ट्र सरकार का फेस कौन होगा, या आप तब पूरे मैंडेट के साथ असलियत में जो आप आपकी कैंपेन थी उस तरीके से आप वापस आएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले ही ये क्लियर बताया है, एकनाथ शिंदे जी और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, फेस कौन होगा वगैरह ये इसलिए महत्व का नहीं होता कि हमारे पास हुकुम का इक्का है और वो है मोदी जी, और उस फेस के पीछे आप कोई भी फेस लगा दीजिए वो सारे फेस आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन तो उसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि 24 में अगर दोबारा आप साथ में सत्ता में आते हैं तो क्या दोबारा एकनाथ शिंदे जी को बनाया जाएगा या आपके पास वो मौका रहेगा? देखिए, आज तो हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी है, और जब चुनाव के लिए हम जाएंगे तब भी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही होंगे। बाकी सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे नेता वो बोलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का ये नियम है कि हमारी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब मैं भी था और जब मैं मुख्यमंत्री था और आपने मुझे ऐसे एक कॉन्क्लेव में पूछा था कि क्या आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे, तो मैंने तब भी यह जवाब दिया था कि नहीं, मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा। तो मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है, उसी को ये अधिकार है। लेकिन आप चिंता मत करिए, 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरी मेजॉरिटी के साथ हम चुनकर आएंगे। ठीक है, राहुल कंवल भी यहाँ पर है और पीयूष जी आए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सेशन में। पीयूष जी वॉज वॉकिंग इन टू द कॉन्क्लेव, ही सेड क्या चल रहा है, तो मैंने बोला अभी फडणवीस जी का सेशन चल रहा है, इसे अरे हम लोग साथ में ही कर लेते, अलग अलग करने की क्या जरूरत है। वी थॉट वील हैव दिस माइक्रो मोमेंट, वील हैव बोथ द महाराष्ट्र बॉयज पीयूष गोयल एंड देवेंद्र फडणवीस हियर एट द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव सेशन। पीयूष जी, अभी चर्चा हो रही थी कि प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, फडणवीस जी होंगे, बीजेपी की यहाँ पे सरकार होगी एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो उससे महाराष्ट्र को फायदा होगा। ऐसा हुआ कि हाल ही में दो बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से निकल के गुजरात चले गए, वहां पे भी आपकी सरकार है, लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं अरे डबल इंजन की सरकार, तो प्रोजेक्ट तो गुजरात जा रहे हैं। देखो, कोई बच्चे ये बात करें तब तक तो समझ में आता है, आप जैसा अनुभवी पत्रकार भी अगर ये बात करे तो बड़ा सर सब लोग लगता है महाराष्ट्र में जितने लोग हैं बहुत लोग हैं, तो ये बात हो सकती है, लेकिन मुंबई तो एक आर्थिक नगरी है, आर्थिक कैपिटल है देश का, यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है कि कोई प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट कोई 4 दिन 6 दिन 6 हफ्ते में नहीं तय होते हैं। इसके पीछे लंबी दास्तान होती है, इसके पीछे काफी स्टडी होती है, पॉलिटिकल एटमोस्फियर, स्टेबिलिटी, कंसेशंस, इंसेंटिव्स, और वेरी क्लियरली ऐसे कोई डिसीजंस, हम तो खुद बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, व्हाट इंसेंटिव्स आर गिवन, एंड हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि उनको रोज रिस्पॉन्ड करें। आप लोग के पास टीआरपी के लिए जरूरी है कि उतना कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश करिए, वो आपको मुबारक। आपने कुछ नहीं बोला, एक ही मैं नरेटिव फैक्ट्री कितनी एक्टिव हो गई थी कि एक प्रोजेक्ट जो एक साल पहले हैदराबाद में चालू हो गया था, मतलब जब वो एमबीए की सरकार आई तब महाराष्ट्र में आकर देख कर गए, फिर उन्होंने हैदराबाद जाने का फैसला किया, पूरा सारा उसका डेडलाइन जो है वो सारा एमबीए के गवर्नमेंट में वो शुरू भी हो गया है हैदराबाद में, और एक चैनल ने दिखाना शुरू किया कि ये भी चला गया, फिर दूसरे ने चालू किया, फिर प्रिंट मीडिया ने चालू किया, फिर सब ने ये चालू किया, आखिर मुझे वो जो शायद फ्रेंच कंपनी है उनके जो फ्रेंच कंपनी के मालिक है उनका ट्वीट दिखाना पड़ा कि जिसमें वो बता रहे 2021 में कि हमारी फैक्ट्री शुरू हो गई है। तो ये नरेटिव बिल्डिंग का काम होता है, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र को का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 2015 से यानी 14 से हम लोग आए, 14 के अंत में आए, 15 से लेकर 19 तक 4 साल महाराष्ट्र ये नंबर वन था FDI में, और कितना नंबर वन था, तो हमारे पीछे के गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली और कर्नाटक, ये चारों स्टेट मिलाकर जितना FDI उनके पास था उससे 1.5 गुना अकेले महाराष्ट्र में था। तो इसलिए महाराष्ट्र को कोई पीछे नहीं ले जा सकता।
लेकिन बात परसेप्शन की है। चलो एक मिनट सर, आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज भारत की तरफ देख रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, जिस प्रकार से एक स्टेबिलिटी आई है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल, क्लियरली द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। वो देखते हैं कि कई देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां उनको डर भी लगता है पता नहीं रात को कब डिसअपियर हो जाए करोड़पति आदमी भी, तो भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही एक सीओ फोरम परसों और कल दिल्ली में हुआ, प्रमुख देश है जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं हमारे उत्तरी नेबर के साथ भी, उसके टॉप सीईओज आए थे। तो मैंने उन लोग को पूछा कि आप लोग कोई एक प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा वहां पे इतनी तकलीफ थी, कोई बिजनेस करने का मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा मजा में व्हाट डू यू काउंट एज मजा? एंड दे आर्टिकुलेटेड 3-4 थिंग्स। ए, दे सेड के यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, बी वेरी हाई लेवल ऑफ करप्शन था, सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। तुम एक पार्टी के एक मंत्री से कुछ तय कर लो तो दूसरी पार्टी का मंत्री बोलेगा मेरा हिस्सा कहाँ है? तो हिस्सेदारी बांटने में ये तीन जो जुटे हुए थे उसमें महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, अब देवेंद्र जी को डबल स्पीड पे काम करके इसको मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन परसेप्शन की एक बात होती है पीयूष जी, आपने कहा कि ठीक है कि ऐसे कोई अचानक कोई प्रोजेक्ट जाता नहीं है, बहुत दिनों से काम चलता है, लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सारे स्टेट उसके लिए झगड़ा करेंगे और जहां पर चुनाव होने जाने वाला होगा वहां पर सबसे ज्यादा इस पर सवाल वेलकम करते हैं। हमारी सरकार ने 2014 से आज तक लगातार कहा है कि वी बिलीव इन कंपेटिटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम तो समझते हैं कि अगर देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस कॉम्पिटिशन में लगेंगे तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा स्टेट्स के बीच में स्पर्धा होगी और हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके यहाँ पे प्रमोट करेंगे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री, उतना अच्छा रहेगा। रही बात नैरेटिव की, उसके लिए सलिल तुम्हारे को और राहुल की जरूरत है, आपके पास और एंकर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि नैरेटिव बनाए मोदी जी के खिलाफ, दिन रात कोशिश करते हैं, मेडिसन स्क्वायर तक जाके कोशिश कर लेते हैं कि मोदी जी के लिए कुछ तो बुरा बोलो, लेकिन दुर्भाग्य से देश ने नैरेटिव बना लिया है, मोदी जी के पक्ष में बना लिया है, मोदी जी के ऊपर आज देश पूरा विश्वास करते हैं। वो नैरेटिव बनाने के लिए आप जरा कोशिश थोड़ी और तीव्र करिए, उसमें भी हमें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। एक इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि ये बिजनेस बाहर गया वो बाहर गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का, रिफाइनरी के रूप में महाराष्ट्र में आ रहा था, ग्रीन रिफाइनरी, जो आज तक सिंगल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी हुआ नहीं था। और फॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टमेंट में 60% हिस्सा सरकारी कंपनियों का था। ऐसे इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दिया गया, उसका विरोध किया, उसको रोका और सरकार के जाने के बाद तो उसको खत्म किया। ऐसे लोग अब हमको बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अगर वो अकेला इन्वेस्टमेंट आता ना तो 2 साल में जितने बाकी सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट होता है 2 साल का उनका इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट में आ रहा था। तो इसलिए इनको अधिकार नहीं है बोलने का। इसकी डिटेल दे दूं, दिस वाज 60 मिलियन टन रिफाइनिंग फैसिलिटी, आज पूरे विश्व में एक भी नहीं है इस साइज की, नॉट अ सिंगल रिफाइनर हुआ है 60 मिलियन टन एट वन प्लेस। सऊदी अरेबिया और भारत इसके पीछे बड़ी कश्मकश करके, खासतौर पे MBS और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते इतने अच्छे होने के कारण उन्होंने कमिट किया कि हम $100 बिलियन यानी लगभग 8 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो डिजाइन की गई थी, सब कुछ तय हो गया था जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी और ये सरकार ने आके अड़ंगे डाले, पूरा प्रोजेक्ट खराब किया। अब मैंने जाके रिट्रीव किए, 14 तारीख को जब वो लोग आएंगे तो उसको हम रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल के अनुभव से अब वो अभी भी डरते हैं ये बोलने के लिए कि यहाँ पे हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। पीयूष जी, यहाँ पे बीजेपी के कई नेता बैठे हैं,
कई लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आपके बगल में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं। और कॉन्क्लेव के इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कई लोगों को लगता है कि जो करंट महाराष्ट्र में सरकार का अरेंजमेंट है वो बड़ा अनफेयर है, चीफ मिनिस्टर होने चाहिए फडणवीस जी, अगर डेप्यूटी हो तो होने चाहिए एकनाथ शिंदे जी। मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये भी चर्चा खूब गर्म है मुंबई में कि फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे या तो सीएम बने नहीं तो वरना बाहर बैठेंगे, डेप्यूटी सीएम नहीं बनना। और उस वक्त पे आप लोगों की क्या बातचीत चल रही थी फडणवीस जी को कन्विंस करने के लिए कि आप बन जाइए डेप्यूटी सीएम? और ये जो बात है कि लोगों को लगता है कि एक अनफेयर अरेंजमेंट है, एज द बिगर पार्टी बीजेपी शुड हैव द चीफ मिनिस्टर एंड शिंदे जी शुड बी डेप्यूटी सीएम, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। हमने नीतीश कुमार भी जूनियर पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में बड़े दिल से काम करती है, जो देश और प्रदेश के हित में उस हिसाब से निर्णय लेती है। और हमने निर्णय लिया था कि वास्तव में शिवसेना की जो हालत थी उसमें उत्तरदायित्व शिवसेना का बाला साहेब के बाद जो पूरी कार्यकर्ता हैं, जो उनके MLAs हैं, पूरे MPs हैं, आखिर वही जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं, सभी की इच्छा थी कि जो गलत अनैतिक कोएलिशन चल रहा था वो गलत था, असली शिवसेना बाहर निकली, उसमें से सरकार बनाना चाहती थी, हमने उसको समर्थन दिया। जहाँ तक बात है देवेंद्र जी की, देवेंद्र जी और मेरा लगभग हर 10 मिनट में उस समय बात हो रही थी, एवरी 10 मिनट। आपके चुनाव के वजह से शुरुआत हुआ था, बड़प्पन है आपके चुनाव के वक्त हुई थी कि इन्होंने पद बड़ा और छोटा नहीं देखा, पार्टी का निर्णय था कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक मिनट हिचकिचाया नहीं, नॉट अ सेकेंड। निर्णय इनको कम्युनिकेट हुआ, जैसे इन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे नेता जो तय करेंगे, यहां बैठा अगर कोई और बीजेपी का हो या कम से कम हम दोनों, आंख बंद करके बिना सोचे एक मिनट में वील फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आर लीडर। दैट डिसिप्लिन इज वॉट हेल्प्स अस डू आवर जॉब बेटर ऑल्सो, जो और इन्होंने उस डिसिप्लिन का पालन किया। पीयूष जी, अभी आप जब ऊपर आए तब हमने देखा कि आपने जिस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट किया, उसी तरीके का विजुअल हमने देखा था जब आप राज्यसभा के चुनाव जीते थे, और राज्यसभा के महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ओपन वोटिंग वाला चुनाव वहां पर महाराष्ट्र में हो रहा था और उसके बावजूद आपने शिवसेना के कैंडिडेट को हराया था। तो तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि अचानक शिंदे वहां पर उठे थे, भले वो हमको बता नहीं रहे थे लेकिन तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी। नहीं, तैयारी तो शिवसेना के हर MP 2019 से ही मुझे मिलता था तो बोलता था हमें किसी तरीके से तुम्हारे साथ ले, हमें पिंड छुटाओ इन लोगों के साथ, 19 से ही तो वो लोग हमारे पीछे पड़े थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं राज्यसभा का चुनाव के बाद मैंने प्रेस को भी अपना वक्तव्य दिया था, तब भी मैंने कहा था कि जो अनैतिक सरकार है इसका समय आ गया है, जनता भी त्रस्त है, MLA भी त्रस्त है, MP भी त्रस्त है, अब 2 लोग तो पार्टी नहीं चला सकते ना। और आज हम मेरे नेता है देवेंद्र फडणवीस, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मेरे महाराष्ट्र के नेता और मेरे भी नेता है देवेंद्र फडणवीस। अब ऐसे में कभी पद छोटा बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए शायद इसी होटल में या किसी में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खड़े हैं के बाजू में उनकी पत्नी है, और फिर एकनाथ शिंदे इतना सीनियर लीडर को तो पीछे ढकेल दिया, कोई और बीच में खड़ा है। ऐसे जब पार्टियां चलने लगती है और परिवारवाद होता है तब समय अंत की हो जाता है। जहां आप इस वक्त बैठे, एक सिर्फ आपकी आपकी जानकारी के लिए और एक सीक्रेट भी आपको बोल देता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में हमने जो जीत हासिल की उसमें ये जो शिवसेना के लोग हमारे साथ आए इनमें से किसी का वोट हमने नहीं लिया था। आपको NCP का वोट पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ NCP का पड़ा, तीन ही पार्टियां थी सर, मैं आपको एक इतना ही कह रहा हूँ, एक कांग्रेस है, तो इतना ही कह रहा हूँ, ओपन वोटिंग में तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। आज तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई पवार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पर मैं इतना आपको इतना बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने राज्यसभा की सीट चुनकर लाई उस समय जो लोग शिवसेना से हमारे साथ अभी आए हैं इनमें से किसी का भी वोट हमने नहीं लिया। पीयूष जी, जहां पे आप इस वक्त बैठे हैं वहां पे जब कॉन्क्लेव का पहला दिन था तो आदित्य ठाकरे बैठे थे
उन्होंने कहा कि ये अलीबाबा और 40 चोर टाइप की सिचुएशन है. उन्होंने चैलेंज किया कॉन्क्लेव के मंच से कि अगर बीजेपी और इस नकली सेना में दम है तो ये एमएलए इस्तीफा दें, चुनाव करवाएं और महाराष्ट्र के लोग दूध का दूध पानी का पानी करते हैं. सर डायलॉग देने में तो अच्छा है, तो रोज पिक्चर में मुझे बहुत शौक है पिक्चरें देखने का. मैं रोज जाके पिक्चरों में डायलॉग देखता हूँ. डायलॉग से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति काम से चलती है. राजनीति जनता की विल होती है और द पीपल्स विल प्रिवेल्स. ऐसे डायलॉग वगैरह देने से तो फिर तो हमारे यहाँ पे कोई मुंबा देवी के कार्यकर्ता वर्ली से है, वर्ली के कार्यकर्ता को खड़ा कर दूंगा उनके साथ डायलॉग करने के लिए. वो मेरा एक कार्यकर्ता ही उनके लिए बहुत है. उसमें सीएम वगैरह को काम करने दो, 3 साल का बैकलॉग मेकअप करना है. नहीं, मेरा उनको एक ही सवाल है. इन्वेस्टमेंट पे डिबेट मांग रहे हैं, क्या गलत है? एक मिनट, मेरा एक बहुत बहुत वैलिड सवाल है. आप तो हमारे साथ चुनकर आए थे, अलायंस में चुनकर आए थे, और हमको छोड़कर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो उस समय आपको याद क्यों नहीं आया? उस समय आपने इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव फेस करना चाहिए था और उनके साथ चुनकर आना चाहिए था. ये तो जो हमारे साथ आए हुए हैं 40 लोग, ये तो हमारे अलायंस में चुनकर आए. सो दे आर इनटू नेचुरल अलायंस, वो नेचुरल अलायंस में वापस आए. तो ये जो अभी अकल सूझ रही है, ये अकल उस समय अगर सूझती थी तो वैलिड थी. नहीं तो चलिए, आप कम से कम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की भी बात हुई है, कम से कम बीजेपी के दो बड़े नेता आज ये वादा कर सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में जो हमने 2019 में देखा, जो 2022 में हमने देखा, उस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैसला नहीं करना पड़ेगा. शिंदे फडणवीस सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी, कहीं बीच में फडणवीस पवार, कहीं कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया जा रहा है, इससे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है. क्या उस तरीके की कोई चीज अब पूरी तरीके से बंद, कोई दरवाजे सारे बंद, क्या ये वादा हम लेकर चले महाराष्ट्र की जनता के लिए? आप सर, आप जवाब. इससे पहले हर सवाल में फटाफट जवाब आ रहा था, अब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, जवाब कौन देगा पहले? कैसा है, देखिए पीयूष जी ये राज्यसभा में हमारे नेता है, आप स्टेट के सवाल उनको पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 मिनट ध्यान दिया कि भाई पीयूष जी दे रहे हैं या मैं दे दूं. सर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो. हाँ, वो राज्यसभा में उनको पूरा महाराष्ट्र मालूम है, फिर कोई 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 सवाल ही नहीं है. लेकिन मैं आपको आपको बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूँ कि इंस्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता. ये बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, हम तो साथ में रहेंगे ही. अब किसी को अगर ये इच्छा होती है कि हमारे साथ आना चाहते हैं, वो हमको कहते हैं हमको साथ में आना है, अगर लोग ठीक है तो राजनीति में मना तो नहीं किया जा सकता ना. दरवाजे खुले, आप मत आइए. दरवाजे तो राजनीति में बंद नहीं रहते, दरवाजे खुले, लेकिन कॉम्बिनेशन बदलने का कोई सवाल नहीं. कॉम्बिनेशन ये बाला साहेबांची शिवसेना और बीजेपी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा. हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई और लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मोदी जी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए हमको जुड़ना है, तो ऐसे सबका स्वागत हम करेंगे. सो इज दैट अ हेडलाइन पीयूष जी, दैट द डोर्स ऑफ द बीजेपी आर स्टिल ओपन फॉर अ पोटेंशियल अलायंस विद द उद्धव सेना? देखिए राजनीति में मैं कई बार कहता हूं कि अच्छे लोग साथ में जुड़े, अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं तो देश के हित में. और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि मैं आपको इतना पक्का बोल सकता हूं, कोई पार्टी का देश भर में, और देश के कई लोग, कई राजनीतिक लोग भाजपा में आते रहते हैं और आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होता है, बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम द एरिया वेर ही कम्स फ्रॉम अप टू द टॉप. वेरी मैनी लेयर्स ऑफ डिस्कशंस टेक प्लेस. और जब तक एक आम सहमति नहीं होती है किसी के लिए भाजपा में, यू कैन जस्ट वॉक इन टू द पार्टी. लेकिन अगर अच्छे लोग, कल राहुल कंवर आपकी इच्छा हो तो हम आपको जरूर ले सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉर गुड पीपल इन द पार्टी. तो अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े, फिर एक पुरानी कुछ गलतियां रही हों, पुराने कुछ उनके अलग अनुभव रहे हों और उसको सीख के अगर आते हों, उसको भूल के आते हों, तो भगवान कृष्ण ने भी आखिर कितने लोगों को कितनी बार माफ किया. तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई परमानेंट डोर किसी के लिए क्लोज नहीं होता है. We are always looking for good people so that we can serve the people better. अभी गुजरात में एक बड़ा इलेक्शन है पीयूष जी, और चर्चा ये हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी वहां पे बीजेपी को कुछ हद तक चैलेंज पोज करेगी, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में. गिवन योर रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स, आपके हिसाब से गुजरात के इस चुनाव में आपकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है या आपसे? मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं है. जो आज तक इतिहास में किसी पार्टी को जो सीटें नहीं मिली हैं,
इस बार 2022 में गुजरात में 150 बार जाएगी बीजेपी की टैली. यू टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी. सो दैट विल बी द मैसिव मैंडेट. क्योंकि ह्यूज मैंडेट. अब तक का जो रिकॉर्ड 149 इज द हाईएस्ट सो फार. वो ये 150 क्रॉस होगा. सरकार का रिकॉर्ड था ये 150 क्रॉस होगा इस बार. तो जो पॉपुलैरिटी आज मोदी जी की है देश में और खासतौर पर गुजरात में, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, और मैं कई जगह अलग अलग जगह गया इन द इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, द पीपल हैव मेड अप देयर माइंड, दे स्टैंड रॉक सॉलिड बिहाइंड द भारतीय जनता पार्टी. नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर एक नए एंट्रेंट की तरह आई हुई है वहां पर, और जो रिस्पॉन्स वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको वहां पर मिल रहा है. आपने सही वर्ड का क्लेम. देखिए, क्लेम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. क्लेम करने में तो मैं एक टाइम पे तमिलनाडु का भी इंचार्ज था. हम तो वहां पे भी क्लेम करते थे, वी गोइंग टू डू वेरी वेल, वी डिडंट डू वेल. तो क्लेम तो हर एक का अधिकार होता है, और सिर्फ पॉम्पस स्टेटमेंट्स टीवी पे देने से. अच्छा, आपकी भी मजबूरी, आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल, बिकॉज एक तरफा जब पूरी लहर बीजेपी की चल रही है तो आपका तो टीवी चैनल नहीं तो फिर कोई देखेगा ही नहीं. फिर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भी फेल हो जाएगा, तो यू हैव टू डेस्परेटली प्रॉप अप सम पीपल. तो आप करिए, हमारे तो हित में. सर, हमारी चुनाव लड़ रहे हैं, सबका रिपोर्टिंग करना हमारा काम है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर चुनाव जरूर हम तो सबका रिपोर्टिंग करेंगे ना. ऐसे थोड़ी मैं तो एनकरेज कर रहा हूँ. आप थोड़ा और बताइए, हमारा काम है वो. आप बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता ने मोदी जी को नीच बोला. जितना ज्यादा आप उनके नेताओं को दिखाओगे उतना हमारे लिए अच्छा ही है. लेकिन ये इस प्रकार की ओछी राजनीति, वेरी लो क्वालिटी राजनीति, आज पंजाब के लोगों को जरा जाके देखिए और पूछिए. दुखी है कि हमने कहां से निर्णय ले लिया. ऑफकोर्स गाली हमें नहीं देते हैं, ज्यादा कांग्रेस को देते हैं कि उन्होंने मैदान ही छोड़ के भाग गए. तो मेरे ख्याल से गुजरात के लोग तो बड़े समझदार हैं, व्यापारी होते हैं, बहुत सोच समझ के भाव तोल करते हैं. आपने वैसे सोच समझ के निर्णय लेंगे कि कंपटीशन अच्छा होना, जीते चाहे जो मर्जी, मैच बराबरी का होना चाहिए और मैच अच्छा होना चाहिए, वो जरूरी है. फिर लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है. अगर वन वे ट्रैफिक है, चुनाव होने से पहले ही पता हो कि कौन जीत रहा है, तो उसमें क्या मजा आएगा. राहुल, आपके टीआरपी जो है उसमें भी फिर आपकी यही राय रहती है? नहीं नहीं, टीआरपी में इंडिया टुडे ग्रुप सबसे आगे रहना चाहिए, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हमारा भी वही हाल है, क्या करें. मजबूरी है हमारी कि हमको वहां जीतना है बड़े रूप में. आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एरोगेंस. लिटरली आई हैव गॉन इनटू द इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, वेदर इट इज पाटन, क्योंकि वहां मेरा टेक्सटाइल का काफी काम रहता है. पाटन का काम जो है बहुत फाइन हैंडलूम्स होते हैं. वेदर इट इज जूनागढ़, वेदर इट इज सोमनाथ, द मूड ऑन द ग्राउंड इज कंप्लीटली इन एड्यूलेशन ऑफ मोदी जी, एंड दे आर लुकिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी टू कंटिन्यू टू गिव अ गुड. देवेंद्र जी, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं, इंटर स्टेट राइवलरी? एक तरफ पीयूष जी के हिसाब से हाँ अच्छा है, गुजरात जा रहा है इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम, वो भी तो हमारा ही स्टेट है. तुम दूसरों की तरह मत बिहेव करो भाई. मेरा सवाल, मैंने कहा था ऐसा? सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप, अगर कोई प्रोजेक्ट गुजरात जाता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी बात है चला ही गया, वो भी बीजेपी की स्टेट है. अगर महाराष्ट्र आता है वो भी कोई बुरी बात नहीं, वो भी बीजेपी की स्टेट है और वहां पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वैसे भी पुराना है. आप इसको कैसे देखते हैं, दिस बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू स्नैच अ प्रोजेक्ट अवे और पुल अ प्रोजेक्ट अवे, Even if it happens to be a BJP state. एक सिर्फ मुझे ऐड कर रहा है उसमें, क्योंकि पीयूष जी ने इस बारे में बोला कि सर यहाँ जब ये प्रोजेक्ट जाने की बात हुई थी गुजरात में, तब ये कहा गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि भाई पाकिस्तान थोड़ी गया है, गुजरात ही गया है, देश में ही है. इसीलिए सवाल उठता है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप अगर सोचे तो वो तो सोचेगी कि भाई दूसरे राज्य के पास जा रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनके लिए तो लॉस है. तो ये जो डाइकोटोमी है वो कैसे हैंडल होगी? नहीं, बहुत सीधी बात है. देखिए, मोदी जी ने पहले दिन से ये कहा है कि ये टीम इंडिया है, यहाँ कॉपरेटिव फेडरलिज्म भी चलेगा और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी चलेगा. और मैं महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री हूँ, तो मेरा ये मानना है कि चाहे जो हो, महाराष्ट्र ही नंबर वन रहना चाहिए. उसके लिए मुझे किसी भी स्टेट के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़े, अगर गुजरात एक रुपया इंसेंटिव देता है तो मैं 2 रुपये इंसेंटिव दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैं मेरे यहाँ लाऊंगा, ये बिल्कुल पक्का है. और मैंने तो ये स्पष्ट घोषणा की है, 2019 तक हम नंबर वन थे, गुजरात हमारे पीछे था.
पिछले दो सालों में गुजरात हमसे आगे बढ़ा है, उनको बहुत शुभकामनाएं है, लेकिन मैंने दो साल का टारगेट सेट किया है और दो साल के बाद आपके कॉन्क्लेव में आऊंगा तो महाराष्ट्र ही नंबर वन रहेगा। हाउ डू यू कीप दिस राइवलरी हेल्दी? आप कैसे इंश्योर करते हो कि राइवलरी हेल्दी रहे? आई विल जस्ट गिव यू द राइट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। आप सब याद करिए 2014 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उनके पहले भाषण में उन्होंने कहा अब राजनीति का टाइम खत्म हो गया, चुनाव के परिणाम आ गए, जनता ने हमें स्पष्ट और पूर्ण बहुमत दिया, अब हमें इस बहुमत को लेके देश के हर एक नागरिक की सेवा करनी, पूरा देश हमारा दायित्व है। और उसी के हिसाब से हर केंद्रीय मंत्री को भी यही गाइडेंस मिली थी कि आपको पूरे देश की चिंता करनी। जब हमने समाजवादी की सरकार थी यूपी में, पर जब हम बिजली देते थे तो हम थोड़ी ढूंढते थे ये बीजेपी का घर है, ये समाजवादी का घर है, ये समाजवादी स्टेट है, ये तभी नीतीश जी भी हमारे खिलाफ थे, पूरे देश में बिजली दी ना सबको। टॉयलेट देने की बात थी, कितनी शर्म की बात है कि 65 साल तक, आज़ादी के बाद 67 ईयर्स तक इस देश में सरकारें आई गई, हम यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं, कभी किसी के जहन में नहीं आया कि महिलाओं की बेइज्जती होती है, महिलाएं बहनें बेटियों के साथ क्या गुजरती होगी जब उनके पास अच्छा इज्जत घर नहीं हो। तो अब हमने 12 करोड़ जब इज्जत घर बनाए, देश के हर घर में शौचालय दिया, क्या हमने राजनीति की उसमें? पूछा किस सरकार की है? मैं तमिलनाडु में भी जाके इन्वेस्टर समिट करता हूँ, हैदराबाद में भी जाके निकडिक की प्रेजेंटेशन करता हूँ कि लोग आए और इन्वेस्ट करें, केसीआर के साथ भी, केटीआर, केसीआर तो मिलते नहीं है, दफ्तर ही नहीं आते हैं, मिलेंगे कैसे? कोई वास्तु या कुछ की प्रॉब्लम है कि दफ्तर जाएंगे तो पता नहीं हार जाएंगे या क्या होगा। पर जो भी मिलता है देश भर में, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एज सेंट्रल गवर्नमेंट हम सभी को मौका देते हैं, हम सभी के चिंता करते हैं, सभी को प्रोत्साहन करने के लिए कहते हैं कि उद्योग को आप अट्रैक्ट करिए और उसमें मे द बेस्ट स्टेट विन। डिसीजन एक फैक्टर पे नहीं होता है, डिसीजन में टैलेंट आदमी ढूंढता है, डिसीजन में इकोसिस्टम ढूंढता है, इंसेंटिव्स का एक एलिमेंट होता है, बट देयर आर मेनी एलिमेंट्स दैट अ पर्सन सीज बिफोर ही इन्वेस्ट इन अ स्टेट। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष की सरकार जिस राज्य में होती है वहां पर वो सरकार का की शिकायत होती है कि जो वहां के गवर्नर है वो उन्हें हमेशा परेशान करते हैं? अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में उन्होंने उस तरीके की मुहिम छेड़ के रखी है, वो सारी पार्टियों को बोल रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ बात करिए। महाराष्ट्र में जब एमवीए की सरकार थी तब उनकी और जो गवर्नर के रिश्ते थे वो पूरी तरीके से खराब थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए देश में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी जो गवर्नर्स हैं जिनके ऊपर ये दायित्व है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेना पड़ते हैं उनको वो लेते हैं, तो राज्य सरकार को मैं समझता हूँ उसमें सहयोग देना चाहिए रादर देन क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स। हाल में ही आपने आरिफ मोहम्मद खान जी का भी स्टेटमेंट देखा, तो बेबुनियाद विजयन जी जो कह रहे हैं एकदम गलत बातें कह के गवर्नर के ऊपर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश का हर गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही हैज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर डूइंग देयर जॉब। जो राज्य सरकारें इस टाइप का वाद विवाद कर रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो एक तरीके से भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा उन सबसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का सम्मान। पीयूष जी, अगर 2024 और एक चीज बताना चाहता हूं कि कितने छोटे मन से कभी कभी बातें होती है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोशियारी जी फ्लाइट में बैठने के बाद उनको ये मैसेज गया कि आपको जो फ्लाइट अलॉट किया था वो हमने कैंसिल कर दिया है, और कोशियारी जी फ्लाइट से उतर कर 4 घंटा एयरपोर्ट पर रुक कर अगली फ्लाइट से, नॉर्मल फ्लाइट से गए। तो इस प्रकार का भी व्यवहार जब सरकारें करती है गवर्नर के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा विचार होना चाहिए। पीयूष जी, अभी ऑपोजिशन की बात हो रही थी, राहुल गांधी आगे कुछ प्रोग्राम का टाइमिंग है या इससे इसको अभी चलाना है? पूरा घड़ी चल रही सामने।
एकदम टाइम कट टू कट चल रहा है, हमारा टाइम एकदम फिक्स्ड है. 2024 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पीयूष जी आप कैसे देखते हो, क्योंकि दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, वहाँ ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया, अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से आके एकदम भिड़ने वाले हैं, यहाँ से भी निकलेगी यात्रा. क्या कई बार आदमी पेनेंस करते हैं अपने सिंस के लिए, मुझे लगता है ये इस प्रकार की यात्रा है. दिस इज अ पेनेंस फॉर द सिंस ऑफ द फैमिली एंड द फोरफादर्स. अभी किरण रिजिजू ने भी खुलासा किया किस प्रकार से देश में जम्मू कश्मीर समय पे आना चाह रहा था राष्ट्र के साथ देश के साथ, तब रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे गए. किस प्रकार से सरदार पटेल ने तो लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ दिया भारत के साथ. एक स्टेट जो एक और व्यक्ति ने देखा उसका हालत आज तक देश भुगत रहा है 75 वर्ष बाद भी. तो मुझे लगता है पेनेंस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पर मैं समझता हूँ कि उनको पूरा समय सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बिताना चाहिए था. मैं आज तक ये नहीं समझ में पाया हूँ गुजरात में वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शायद 1 या 1.5 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं. यानी उनको चिंता है कि जिन प्रदेशों ने कांग्रेस के एमपी चुन के भेजे उनके आखिर सब एमपी कहाँ से आए, केरल, तमिलनाडु, कुछ तेलंगाना, बाकी तो देश से कोई खास एमपी आए नहीं है, इक्का दुक्का किधर आए हो. तो उनको पता है कि बाकी देश तो पूरा सुरक्षित है, एक साथ है, कांग्रेस का ग्राउंड जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी हाथ से ना खिसक जाए, उसके लिए वो अपनी पार्टी को जोड़ने में लगे हुए. कर्नाटक में कम से कम वो 2 नेता थे उनको जोड़ने में उनकी हालत खराब हो गई, अब एक तीसरा नेता अध्यक्ष बने तो अब तो अगला और भी इंटरेस्टिंग होगा कि 3 सेंटर्स होंगे. तो मुझे लगता है अगले 1-2 साल उनको ही जोड़ने में लगने वाले. जो खड़गे जी प्रेसिडेंट बने, डज दैट टेक अवे फ्रॉम दैट अटैक डिनेस्टी परिवारवाद, अब वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का एक दलित पार्टी का प्रेसिडेंट है, डज दैट डिफ्लेक्ट सम ऑफ कई बार प्रिविलेज कॉन्वर्सेशंस होती है तो मैं बाहर नहीं बोल सकता हूं. जितना बता सकते हो बता दो. पर मैं राज्यसभा का नेता हूं और मेरे काउंटर पार्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़गे जी थे. नॉर्मली हाउस की फंक्शनिंग में लीडर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लगातार तालमेल बनाए रखना पड़ता है, लेकिन पहले 1-2 महीने तक वो कोशिश करके वी ऑलमोस्ट गेव अप, क्योंकि वो कहते थे अरे मेरी बात तो छोड़ो, मेरे और किसकी बात छोड़ो, बाकी विपक्ष की बात छोड़ो, मेरे पीछे जो बैठे हैं वही मेरी बात नहीं सुनते, वो खुद बोलते थे. अब और ज्यादा मत करवाओ, मैंने कहा प्रिविलेज कॉन्वर्सेशंस होती हैं. इतना बुरा हाल है कि मेरे को लगता है कि इससे अच्छा रहता कि गांधी परिवार का ही कोई लेता कमांड. अब उधर भी और डबल पावर सेंटर हो गए तो मुझे लगता है अब अगले 2-3 साल उनको आपसी जोड़ तोड़ में ही लगने वाला है, जो देश के हित में नहीं है. हम चाहते हैं कि वो भी पार्टी एक सेकेंड नेशनल पार्टी कोई भी नहीं रहेगी, ये स्थिति ना. मेरे को तो लगा आप भारत कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में थे, आप बोल रहे हो कि कांग्रेस मुक्त भारत यानी कांग्रेस मुक्त राज्य, लेकिन कांग्रेस से भारत से निकल जाए ऐसा हमने कभी नहीं कहा. सब राज्य चुन रहे हैं कि एक के बाद एक वो कांग्रेस मुक्त होना चाहते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है भाई, पब्लिक का विल है. देवेंद्र जी आपसे मुझे पूछना है क्योंकि राहुल ने उसका जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा का, अब सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है, नांदेड़ से यात्रा निकलेगी और 16 दिन ये यात्रा महाराष्ट्र में रहने वाली है. यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 तारीख को राहुल गांधी, शरद पवार और ठाकरे परिवार से कोई, यानी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे, सब एक स्टेज पे दिखाई देंगे. तो दोबारा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी अभी भी साथ में है, हम सरकार से दूर चले गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ में आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं. क्या ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिसके लिए ये कोशिश की गई वो महाविकास आघाड़ी तो टूटते हुए नजर नहीं आ रही है फिलहाल इस यात्रा के जरिए अगर हम देखें तो. देखिए 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे भी चलता रहेगा. इन सब ने मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मोदी जी के कारण जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे वो साथ में आकर सभाएं करते हैं, साथ में आकर बैठकें करते हैं. तो ये सारा इन्होंने ट्राई करके देख लिया, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इन्होंने कई प्रकार की आघाड़ियाँ बनाई, इन्होंने कई प्रकार के अलायंसेस किए, लेकिन कोई भी अलायंस ये मोदी जी को बीट नहीं कर पाया. देश के आम नागरिक का जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है उसके कारण ये कितनी भी सभाएं कर ले,
कितने भी हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचा ले, इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। और जहाँ तक MBA का सवाल है, आप रोज स्टेटमेंट तो देख रहे हैं, नाना पटोले का कभी आप देखते हो, कभी अजीत पवार का आप स्टेटमेंट देखते हो, तो MBA कागज़ पर है, बाकी MBA कहाँ है मुझे पता नहीं है। और मैं आपको बहुत, मतलब जैसा पीयूष जी ने कहा, नॉट विथ एरोगेंस, पर वास्तविकता के आधार पर कहता हूँ कि ये सब साथ में भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग मोदी जी के नाम पर ही हमको वोट देने वाले हैं। फडणवीस जी, आजकल आप राज ठाकरे से काफी मिल रहे हैं, क्या वो आपके अलायंस में आने वाले? नहीं, हमारे पुराने मित्र है। और कई बार ये होता है कि देखिए, एक समय था कि राज ठाकरे जी की राजनीति ये थोड़ी संकुचित थी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी की बात करना ये तो बहुत स्वाभाविक है और बिल्कुल सही भी है, मराठी की बात महाराष्ट्र में नहीं होगी तो कहाँ होगी। लेकिन हम उनको ये कहते थे कि मराठी की बात कीजिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका विरोध मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम गुजरात में चले जाते हैं तो गुजरात में भी मराठी है, अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, इंदौर हो, जबलपुर हो, मराठी मराठी हमको दिखाई पड़ते। तो देश में ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम भाषा के आधार पर डिवाइडेड हो, तो ये हमारा कहना था। लेकिन पिछले समय से उन्होंने केवल भाषा की बात को छोड़कर एक प्रकार से एक व्यापक हिंदुत्व का विचार उन्होंने दिया है, और हिंदुत्व की बात वो करते हैं, तो हिंदुत्व तो एक कनेक्टर है ही। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये स्पष्ट किया है कि अलायंस की न हमारी कोई बात हुई है, न कोई हमारी बात चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अभी हिंदुत्व के विषयों पर उनके और हमारे कुछ विचार मिलते हैं, तो उन विचारों के ऊपर हम लोग साझा करते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्योंकि आपके गठबंधन को आप युति कहते हैं, अलायंस उसको युति कहते हैं मराठी में, तो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आएगा? महायुति तो है ही हमारी, बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, महायुति महानगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। देखिए, महायुति तो हमारी है ही, बीजेपी है, बाड़ा से बंची शिवसेना है, RPI है, और कई छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ है, तो महायुति तो हमारी ऑलरेडी है। अब उसमें राज ठाकरे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया और आज भी कह रहा हूँ कि उनसे ऐसी कोई चर्चा हमारी नहीं चल रही है। लेकिन पूरे बंद, मतलब दरवाजे बंद है कि अभी भी चर्चा हो सकती है? आपने अभी कहा कि दरवाजे हमारे खुले हैं। ऐसे ऐसे राजनीति में जिसमें गैप हो, ऐसे जवाब नहीं दिए जाते हैं। मुझे मालूम है कि आपको क्या करना है, हम दरवाजे बंद नहीं रखते, ऐसा मैंने कहा तो आप बताएंगे कि अब राज ठाकरे के लिए दरवाजे खोल दिए। मैंने कहा बंद है हमारे दरवाजे, तो राजनीति में दरवाजे तो बंद हो नहीं सकते, तो ऐसे जवाब मेरे मुंह से नहीं निकलने वाले, आप चिंता मत कीजिए। पीयूष जी, जितने मिनिस्टर्स हैं NDA की सरकार में, उनमें मोदी जी के साथ बहुत वक्त आप स्पेंड करते हैं और एक तरीके से मोदी जी के ब्लू आइड बॉय के तौर पर आपकी एक इमेज है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर आपको क्या कह रहे हैं? वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 2024 इलेक्शंस, आखिरी के कुछ महीने बचे हैं काम करवाने के लिए बिफोर द गवर्नमेंट गेट्स इन टू एन इलेक्शन साइकिल। आपको PM का इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है, उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? द वर्ड दैट वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ इज सैचुरेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं दो चीज इसमें जोड़ूंगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब इक्वल हैं, तो ये सब गलत फहमियां नहीं रखी जाए। वी आर ऑल वर्किंग टूगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देवेंद्र जी के ऊपर उतना ही प्यार है जितना मेरे ऊपर है, जितना निर्मला जी पे है, जितना RK सिंह के ऊपर है। वी आर ऑल वर्किंग टूगेदर फॉर अ कलेक्टिव पर्पस टू मीट दिस विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। जो 5 प्रण प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे देश के समक्ष रखे कि एक भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को अपने कॉलोनियल माइंडसेट से निकालना है, भारत की रूट्स में जाना है, फिर एक बार हमारी विरासत को उजागर करना है, किस प्रकार से हमने एक कर्तव्य भावना से पूरे देश ने देश की एकता और एकजुटता को संभालना है, ये 5 प्रण लेके हम सब कलीग्स काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई ज्यादा वक्त कम वक्त का सवाल नहीं है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो एक तो वो स्पष्ट कर दो। दूसरी बात, 2014 से आज तक, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप पुराने देखो, शायद आपके मंच पे भी मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी ने हमको बार बार एक ही बात बोली है, कोई निर्णय जब आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, जब आप कुर्सी पे बैठे हो, आपको कुछ सेवा करने का मौका मिला है, कोई निर्णय
चुनाव को सामने देखते हुए नहीं लेना है, कोई निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर नहीं लेना। जो भी आप निर्णय लो वो देश हित का निर्णय होना चाहिए, जनहित का निर्णय होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा होना चाहिए। और हम हर निर्णय बिना भेदभाव और बिना एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के 2024 में क्या होगा उसके हिसाब से नहीं लेते। गवर्नमेंट्स आर अ लॉन्ग टर्म एंटिटी। और ये बता दूं कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 8.5 वर्ष काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कई वर्षों तक भारत की जनता मोदी जी को देश के कमांड देना चाहती है। सर, इसी से जुड़ा सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तब बड़े राज्य बहुत फायदे रखते हैं, और खास करके बीजेपी का सबसे ज्यादा बड़ा चंक जहां से जीतकर आता है वो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर उसमें आता है क्योंकि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और इसके लिए महाराष्ट्र जैसा राज्य बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर हम देखें तो चुनाव के परफॉर्मेंस के हिसाब से। इस बार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो बनी है वो इसीलिए इस तरीके से बनाई गई क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता एमवीए के रूप में। अब ऐसे में जैसे मैंने कहा कि आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास हार्डली एक से डेढ़ साल होगा कि आपको वो परफॉर्मेंस जो पिछली बार का था 2019 का उस तरीके का परफॉर्मेंस आप लेके आए, क्या ये प्रायोरिटी रहेगी आपकी लोकसभा चुनाव के हिसाब से और उस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये 2019 तक हम लोग काम कर रहे थे, बीच में इंटरवल हुआ क्योंकि बीच में तो सरकार ने न कोई निर्णय लिया न कोई काम किया, हमारे चालू काम सिर्फ बंद किए, तब उन कामों को गति देने का काम हमने किया है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 2024 के जब हम लोग चुनाव को सामने जाएंगे तो हमने जो 2015-16-17 में काम शुरू किए थे हम डिलीवर करते हुए जाएंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से लोग हमको उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि हमने पिछले दोनों बार करीब 42-43 सीटें जीती, हम उससे कम सीटें नहीं जीतेंगे, उससे ज़्यादा ही जीतेंगे। मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इतना स्पेशल क्यों है, कि इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्पेशल क्या है, मैजिकल क्या है? तो मैं कहता हूँ कि देखो, एफर्ट तो सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी एफर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीज़ें बहुत स्पेशल और बहुत मेमोरेबल हो जाती हैं। आज जो आपने ये सेशन देखा जिसमें केंद्र सरकार के एक हैवीवेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के साथ बैठे हैं, दोनों महाराष्ट्र के लड़के हैं, मुंबई से इतने क्लोज हैं, मुंबई में हम लोग बैठे हैं, ये एक तरीके से पूरा अनप्लान्ड था। ये पीयूष जी ने एक लाइन हल्के से बोली, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो मान गए, एंड देन व्हाट यू सॉ ओवर द लास्ट 40 मिनट्स इज जस्ट प्योर मैजिक। To have both of them at the same stage has been an absolute delight. And can I get everyone sitting here at the India Today Conclave in Mumbai to join me in raising a warm round of applause for Union Minister Piyush Goyal and the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. Thank you so much for lighting up this evening with your camaraderie, with your presence, and for joining us at the conclave. Thank you, sir. Thank you. Both of you. Could I please request Priya Agrawal-Helber, the non-executive director at Vedanta, to join us on stage? Could I also request Sri Shiv Kumarji Dalmia, chairman NL Dalmia Education Society, to join us on stage to felicitate our special guest? Do stay with us for one moment, please.